हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है। तो कुछ टाइम पहले OnePlus का 11R आया था जो कि काफी अच्छा फोन था, लोगों को पसंद भी बहुत आया था। अब उसी का सक्सेसर OnePlus 12R बहुत ही जल्द हमें इंडिया में देखने को मिलेगा। तो इस फोन से रिलेटेड काफी सारे लीक्स एंड रूमर्स है हमारे पास कि कैसा ये फोन रहने वाला है, क्या कुछ फीचर्स इसमें देखने को मिलेंगे, किस प्राइस के साथ आएगा एंड OnePlus 11R से कितना अलग ये होने वाला है, सब कुछ सही से बताऊंगा। बट उससे पहले वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबा देना। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डिजाइन से। तो डिजाइन वाइज फोन सेम वैसा ही रहेगा जैसा OnePlus 11R था, सेम कैमरा मॉड्यूल है जैसा OnePlus 11R में था। बट अलग जो देखने को मिलेगा आपको वो है इसके फ्रेम्स। पिछली बार फ्रेम्स जो थे वो प्लास्टिक के थे, इस बार फ्रेमिंग जो है वो आपको मेटल की देखने को मिलेगी जो कि फोन को थोड़ा और प्रीमियम फील करवाएगा। तो डिजाइन वाइज फ्रेम्स को छोड़कर फोन एज इट इज वैसा ही है जैसा OnePlus 11R था। और अब बात करें डिस्प्ले की, तो इसमें आपको 6.7 इंचेस की कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगी जो कि 1.5 के रेजुलेशन के साथ आती है और इसमें भी 120 हर्ट्ज का हायर रिफ्रेश रेट आपको देखने को मिलेगा। डिस्प्ले के मामले में जो अपग्रेड हुआ है वो हुआ है इसकी ब्राइटनेस में। पिछली बार 1450 निट्स की ब्राइटनेस थी, इस बार 3000 निट्स की ब्राइटनेस आपको देखने को मिलेगी। बाकी HDR 10+ रहेगा, ड्यूअल स्पीकर्स रहेंगे और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट का भी आपको सपोर्ट मिल जाएगा। बाकी एक जो कमी पिछली बार भी थी और इस बार भी है कि इसमें IP रेटिंग नहीं मिलेगी, मतलब सवारी अपने सामान की खुद ही जिम्मेदार है। और अब बात करते हैं इसके काफी बड़े अपग्रेड की जो हुआ है इसके कैमरास में। तो पिछली बार की तरह 50 मेगापिक्सल कैमरा विद OIS सपोर्ट तो रहेगा ही, वो अपनी जगह पे है, लेकिन इस बार 32 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस होने वाला है OnePlus 12R के अंदर। पिछली बार 2 मेगापिक्सल का माइक्रो था, इस बार 32 मेगापिक्सल का टेलीफोटो मिलेगा, तो एक काफी बड़ा अपग्रेड इसे कह सकते हैं। बाकी 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड रहेगा और 16 मेगापिक्सल की सेल्फी। इसके अलावा लेटेस्ट एंड्रॉइड 14 मिलेगा आपको इसमें आउट ऑफ द बॉक्स जो कि रन करेगा ऑक्सीजन OS के ऊपर। साथ ही 5500 mAh की बैटरी होगी वही 100 वाट की फास्ट चार्जिंग के साथ। एंड अगेन इस बार भी आपको वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट नहीं मिलेगा। और अब बात करते हैं इसकी परफॉर्मेंस की। तो इसके अंदर आपको Qualcomm का Snapdragon 8 Gen 2 चिपसेट देखने को मिलेगा जो कि एक फ्लैगशिप प्रोसेसर है Qualcomm की तरफ से, तो परफॉर्मेंस में भी अपग्रेड है। साथ ही इसमें LPDDR5X RAM टाइप मिलेगी और UFS 4.0 वाला स्टोरेज। तो चाहे आपको गेमिंग करनी हो, चाहे मल्टीटास्किंग या फिर डे टू डे लाइफ के हैवी टास्क हो, सारे ही आसानी से आप कर पाओगे। तो ये कुछ माल मसाला देखने को मिलेगा आपको अपकमिंग OnePlus 12 के अंदर। और ओवरऑल देखे तो बहुत कुछ अपग्रेड हुआ है इसमें OnePlus 11R के कंपैरिजन में, जैसे कि डिस्प्ले में हल्का बहुत अपग्रेड है, कैमरा में काफी बड़ा अपग्रेड है, परफॉर्मेंस में हुआ है, बैटरी में हुआ है और थोड़ा सा इसकी बिल्ड क्वालिटी में भी। बाकी बात करें इसके प्राइसिंग की, तो OnePlus 12R काफी ज्यादा इंप्रूव्ड हुआ है OnePlus 11R के कंपैरिजन में। तो पिछली बार 11R 40,000 के प्राइस पे लॉन्च हुआ था, तो मुझे नहीं लगता कि 12R भी 40,000 के प्राइस पे लॉन्च होगा, ये आराम से 45,000 तक तो जाएगा ही जाएगा। तो ये मान के चलो कि 45 50,000 के बीच ये फोन हमें इंडिया में देखने को मिलेगा। बाकी आप कमेंट करके बताना कि आपको ये फोन कैसा लगा एंड क्या आप इस फोन का वेट करेंगे या नहीं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। मैं आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो।